आज जो है मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जब आज ट्रेनिंग दूंगा तो कल जाके मेरा जो ड्राइविंग टेस्ट है तो मैं लेना चाहते हैं, वो लोग ट्राइयां ले रहे हैं। पास नहीं हो ना आप? अब्बास, हाँ अब्बास बोला। गुड मॉर्निंग और आप लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी मैं जस्ट रेडी हो चुका हूँ, जा रहा था बाहर। बाहर जाने से पहले मुझे लगा आप लोगों को एक चीज़ दिखानी चाहिए, यहाँ की एक रियलिटी, रियल लाइफ दिखाना चाहिए। 6 बज रहे हैं, अपने यहाँ 8 बजे 9 बजे से पहले कोई भी वर्कर काम पर नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, बैक कैमरे से आप देख सकते हैं, ये जो पेंटर के लोग हैं ये सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कितने बजे आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर से यहाँ पे हैं। काफ़ी काम इन्होंने, काफ़ी हद तक जो काम है वो ख़त्म कर दिया है। नीचे जाके भी आपको दिखाते हैं। यार ये तो थी कुछ बताने वाली चीज़, दिखाने वाली जो मैंने आपको दिखाई सुबह सुबह, क्योंकि यार सुबह उठना 6 बजे एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले उठ के काम पर चले जाना, यानी जो लोग 6 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं वो लोग कितने बजे सुबह उठते होंगे, ये चीज़ समझने वाली है। खैर इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत वेल होनी चाहिए। गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने आप टेस्ट कराने गया था, रीज़न उसका यह था कि कल यानी 4 तारीख को मेरी जो टेस्ट है वो टेस्ट है ड्राइविंग का टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे कोविड की रिपोर्ट चाहिए होगी, जिसकी वजह से मैं टेस्ट कराने गया था। और आज जो है मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जब आज ट्रेनिंग दूंगा तो कल जाके मेरा जो टेस्ट होगा, उसके लिए मैं भी जा रहा था। फिलहाल देखते हैं गाड़ी बाहर आई है या फिर नहीं आई है, क्योंकि हमने जो टाइम दिया था वो 3 बजे का दिया था। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो गाड़ी जो है वो आगे खड़ी होती है रोड पे, चल के देखते हैं। ये आ गई है गाड़ी, यार गाड़ी आ गई, लेकिन बंदा मुझे अलग लग रहा है आज। अब्बास नहीं हो ना आप? अब्बास, हाँ अब्बास बोला। 3 बजे आ गए थे, 10 मिनट पहले आ गए। दरम लेता है ना, तो गाइज यहाँ पे जो ट्रेनिंग का स्कूल होता है उसके अंदर जाने के लिए हमें 10 दरहम पे करने होते हैं, और उसकी रिसिप्ट भी मिलती है जो कि 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। अगर आप 10 दरहम पे करो तो आप 2 घंटे के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ सीन है, आप देख सकते हैं बाहर कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। डंडा लगा था जिसमें कफ रखा हुआ है, गाइस गुड मॉर्निंग, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मेरा आज ड्राइविंग टेस्ट है, तो मैं स्कूल में आ चुका हूँ। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, जो लोग भी ट्राई लेना चाहते हैं वो लोग ट्राइयां ले रहे हैं। हमारे पीछे इधर ये भी गाड़ी है, और मैंने ऑलरेडी ट्राई ले ली है, तो अभी तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन। और सभी लोगों से जो है गॉड ब्लेसिंग की कामना रहेगी, तो आप जितने भी लोग हैं कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें। तो अभी मैं फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 8:15 का जो अपॉइंटमेंट था मेरा, अभी 8 बजने वाले हैं, तो अभी 15-20 तक जो सुरता है, हाँ बोलते हैं उनको पुलिस वाले, वो सर आएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद जो है टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये मैंने पर्ची भी यहाँ पे कटवा ली है, ये देखिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास ही हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सो गाइज टेस्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया, बोला है कि SMS आएगा, तो चलिए वेट करते हैं। तो अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसकी वजह से अब हम घर वापस जा रहे हैं कुकु करने के, बस उस हमें अपने ईमान की चाहिए बस। अल्लाह ताला इतना दे रहा, ये अल्लाह का शुक्र है। हाँ बस पूरा आदमी का मीटर में आगे पीछे करता है, हमारे मीटर में कौन आदमी हमारा आया ना, हाँ। बोलते यार कैसे कैसे जाएगा यार मीटर में, सही बस है। एक मिनट वो सोच करते हैं, उसको बोला तू गरीब है
सही है यार। तुम लोग 8 बजे उठते हैं, हम लोग 5-4 बजे उठते हैं। तुम लोग 9 बजे सोते हैं, हम 12 बजे सोते हैं। 12 बजे सोते हैं। फिर वो मैं कितना कर सकूं? तो बोले हमारे साथ पैसे नहीं है। देखो टेस्ट देने आया था उस्ताद, अगर टेस्ट हो सफल हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। हा? टेस्ट देने आया था ना इधर, अभी टेस्ट किया ना। हाँ। रेस पार्किंग का मेरा, मैं ब्रिज और गैराज पहले निकल गया था पहली बार में। ये सेकंड टाइम में मेरा वो पार्किंग रह गया था, साइड पार्किंग रुक गया था। तो आज साइड पार्किंग के लिए आया था। तो अभी रिजल्ट तो तुरंत नहीं बताते ना, वो कहते हैं मैसेज आएगा। अच्छा किया। हाँ मैं किया। अच्छा मुझे पता, कहीं टच नहीं हुई गाड़ी। गाड़ी कहीं टच नहीं हुई है, क्योंकि मेन तो इसमें यही होता है, गाड़ी टच वगैरह ना हो कहीं पे, सीधी सीधी गाड़ी जाए। दिन हो चुका है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। वजह इसकी ये थी क्योंकि जैसे ही मैं टेस्ट देने के बाद घर पे आया, बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो खाना खाने के बाद रेस्ट किया, उसके बाद ड्यूटी पे चला गया और पूरा दिन हो गया कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी रिजल्ट मेरा फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है कि क्या रिजल्ट आया है टेस्ट का। और मैंने टेस्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छा किया, और उम्मीद ये भी है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो आप लोगों की यही कामना है कि जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं, ब्लेसिंग जरूर दे दें, क्योंकि यार यूएई का जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है बहुत ही टफ होता है, और यहाँ का लाइसेंस मिलना बहुत ही प्रॉब्लम वाला होता है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। मेरा अभी तक कितना पैसा लग गया है ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, लेकिन आप मान चलिए कि 50 के ऊपर लग चुके हैं। ठीक, 50 के ऊपर अभी लग चुके हैं, और अभी तक लाइसेंस मिलने का कोई चांस यानी कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अभी तो मैं बस ड्यूरिंग में ही हूँ, और जैसे ही कुछ होता है तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो गाइस बताएं, कहने का मतलब बस ये था, लाइसेंस लेना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो जब आप एक जगह स्टेबल हो जाते हो ना, स्टेबल होने के बाद फिर आप धीरे धीरे आप कुछ भी कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो, कहीं पर आप जॉब पकड़ सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, आप बाइक का लाइसेंस ले सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, तो अलग चीज़ है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जगह स्टेबल होना होता है, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे आपका बिजनेस हो। सो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, छुट्टी से अभी घर वापस आया हूँ, चलते हैं छत पे, आगे की बात रूम पे करेंगे। ठीक है, ये लिफ्ट है कुछ इस प्रकार से, इसको कॉल कर लेते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यह ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, हालांकि ज़्यादा VIP बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सुविधा दी है बहुत अच्छी दे रखी है। मैं आपको इसके अंदर का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। ये सेकंड पे जाना है, आप देख सकते हो, दिन में होता तो और मज़ा आता। अभी एक्चुअली बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये मैंने प्रेस कर लिया है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है सुबह, और बाहर जो है थोड़ा सा ग्रीनरी टाइप की भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आगे हैं फिलहाल अपने फ्लोर पे, और ये पीछे जो है मेरा रूम रहा। मुझे नहीं पता कि टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन डर भी लग रहा है, और जब मैं पहली बार टेस्ट देने गया था तो इससे ज़्यादा भी डर रहा था। और कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में बेसिक टेस्ट देने जाते हो, बेसिक टेस्ट में यही आता है कि आपको एक ग्राउंड के अंदर टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसमें कि आपका ब्रिज होता है, गराज होता है, पार्किंग होती है, ये आपको तीनों पास करने होते हैं। तो मैंने जो है ब्रिज का जो सबसे टफ होता है वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, गैराज का भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, और जैसे ही ये दोनों में पास हो गया, तीसरे में मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और वहाँ जाके मैं फेल हो गया। तो ये मेरी दूसरी ट्राई थी गैराज की साइड पार्किंग की, तो आई होप कि इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और जैसे भी आएगा आपको अपडेट इसकी मैं दे दूंगा कि क्या हुआ रिजल्ट, और आई होप अच्छा ही आएगा। और ये जैसे ही मैं पास हो जाऊंगा, पास होने के बाद फिर मेरी जो टेस्ट आएगी वो फाइनल की आएगी। उसमें भी एक क्राइटेरिया होती है कि आपको इतनी आपको क्लासे लेनी होंगी, क्लास लेने के बाद जो है आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हो, और उसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो यार इस चैनल पे आपको एक से एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी विथ माय एक्सपीरियंस। ठीक है, और मैं कोई आपको प्रोफेशनली नहीं बता रहा हूँ, मैं रैंडमली आपको ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ,
यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य में आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो। बाय।